पंजाब में चल रहे सियासी घमासान से करते हैं। दरअसल अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया ने अब से थोड़ी देर पहले पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मजीठिया ने कहा है कि भूपिंदर हनी सीएम का रिश्तेदार है और ये अवैध रेत खनन में शामिल है। तो बड़ा आरोप सीएम चन्नी पर अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया ने लगाया है। उन्होंने कहा है कि सीएम का रिश्तेदार भूपिंदर हनी अवैध रेत के मामले में लिप्त है। थोड़ी देर पहले पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं बिक्रम मजीठिया ने। सीएम का रिश्तेदार भूपेंद्र हनी अवैध रेत खनन में शामिल है, ये उनका कहना है। बिक्रम मजीठिया पर यह बड़ा आरोप फिलहाल लगाया गया है। आपको बता दें कि बिक्रम मजीठिया ने आरोप लगाया है सीएम चन्नी पर। उनका यह कहना है कि भूपिंदर हनी सीएम के रिश्तेदार हैं और ये अवैध रेत खनन में शामिल हैं। तो कुछ ही देर पहले की तस्वीरें ये आप देख रहे हैं। अकाली दल के नेता ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर पंजाब के सीएम पर आरोप लगाते हुए वो नजर आए। मैं तो कहूंगा पैसे लेके फिर स्वीप सिट अंडर द कार्पेट और इलेक्शन कमीशन खोल जाके ये गल कहनी कि जी सेंट्रल एजेंसी का मिसयूज हो रहा है। तुसी ये गल करन तो पहला कांग्रेस पार्टी यह सवाल कर दी कि 10 करोड़ कैश 12 लाख की रोलैक्स की घड़ी 55 करोड़ का मनी ट्रेल 21 लाख की ज्वेलरी भूपिंदर सिंह हनी जिदी की आदि हैसियत की है, औकात की है, इंट्रोडक्शन की है कि ओदी ए इंट्रोडक्शन है दैट ही इज ओनली एंड ओनली मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दे साली दा मुंडा और ओदी कोई इंट्रोडक्शन नहीं। और इधर बीजेपी ने यूपी चुनाव के लिए चुनाव अभियान भी तेज कर